रूपा जी, सोयाबीन में क्या लगता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस बार बारिश और जो मानसून है ठीक ठाक रहने का अनुमान जताया गया है, सामान्य मानसून बताया जा रहा है। और विदेशों में भी देख रहे हैं सोयाबीन की जो डिमांड है ज़्यादा देखने को मिल रही है। अमेरिका के सोयाबीन एक्सपोर्ट में हम पहले से उछाल आते हुए देख चुके हैं, वहीं चाइना जो है सोयाबीन का एग्रेसिवली इम्पोर्ट कर रहा है और इसका जो स्टॉक है बड़े पैमाने पर वो भी बना रहा है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना में भी सोयाबीन का प्रोडक्शन पहले के मुकाबले घटा है और डिमांड एज इट इज़ बनी हुई है। तो रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, ये सारे आंकड़े क्या दर्शाते हैं कि क्या सोयाबीन में आगे और तेजी बनेगी या फिर सोयाबीन का जो बाजार है वो एज इट इज रहेगा? देखिए, तेजी तो अभी फिलहाल बहुत ज्यादा अभी नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस बार सोइंग बढ़ सकती है। अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है कि बारिश इस बार अच्छी रह सकती है, जिसके चलते सोयाबीन की सोइंग जो है वो बढ़ सकती है और उसके रकबे में तेजी देखने को मिल सकती है और जिसका फायदा जो है आगे चलकर आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए विदेशी बाजार देखिए तेजी के साथ है, लेकिन हमारे भारतीय बाजारों में लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे वो रिफाइंड हो, पाम तेल हो, सोयाबीन हो या फिर मस्टर्ड, समय ही भाव जो है वो नीचे की तरफ है। अभी के लिए बाजार सुस्त रह सकता है, मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन तक फिलहाल कोई तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी,